एक्टिव रीजन होना चाहिए, और सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में एम्पलीफायर का काम क्यों नहीं करता? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर हाँ, उसकी लीनियर में नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, हाँ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव रीजन में लीनियर है, और बाकी जो दो रीजन्स है कट ऑफ और सेचुरेशन उसमें नॉन लीनियर है। इसी वजह से उसका जो एप्लीकेशन है एज एम्पलीफायर वो सिर्फ एक्टिव के अंदर है, सो इट कैन बी ओनली यूज्ड एज एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था कल पढ़ना, ये इसकी जरूरत नहीं अभी समझने की। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर हम देख रहे थे। इसमें कॉमन बेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो इनपुट आउटपुट के बीच में कॉमन है, और ये जो साइड है इधर का एमिटर बेस, यहाँ पे एक जंक्शन होगा डिप्लीशन रीजन। वैसे कलेक्टर बेस के साइड में भी एक जंक्शन होगा, तो कलेक्टर बेस जंक्शन और एमिटर बेस जंक्शन, अगर इसको एक्टिव बनाना है तो मुझे दोनों जंक्शन की बायसिंग कैसी रखनी होगी, ये भी कल पढ़े थे हमने। बताओ, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाना है मुझे तो जंक्शन की बायसिंग कैसी करूं, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होना के रिवर्स होना? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एमिटर बेस फॉरवर्ड जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन मतलब ये लेफ्ट वाला जंक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स। रिवर्स होना चाहिए। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होना चाहिए, एमिटर बेस फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से बायसिंग कर दिया तो ट्रांजिस्टर विल नाउ वर्क एज एम्पलीफायर। ठीक है, अगर ऐसी बायसिंग नहीं करेंगे तो फिर वो दूसरे रीजन में चला जाएगा। तो एमिटर बेस को हमने फॉरवर्ड बायस कैसे किया, आप देख सकते हैं एमिटर पी टाइप का है, ऊपर पी एन पी लिखा है, मतलब एमिटर पी है, बेस एन है और कलेक्टर पी है, तो एमिटर पी टाइप का है इसलिए बैटरी का पॉजिटिव इधर लगा हुआ है, वीईई का पॉजिटिव उस पर लगा है। वैसे कलेक्टर साइड में देखेंगे कलेक्टर पी है, ये जंक्शन कलेक्टर जंक्शन को हमको रिवर्स करना है तो हमने साइड में बैटरी का निगेटिव लगा दिया कलेक्टर पे, तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो एमिटर बेस फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस रिवर्स, और नाउ ट्रांजिस्टर विल वर्क एज एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे कि जो एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो गया था तो फॉरवर्ड बायस के अक्रॉस का वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अगर हम अज्यूम करते हैं तो फॉरवर्ड बायस के अक्रॉस का वोल्टेज 0.7 होता है, एमिटर बेस के अक्रॉस वोल्टेज होगा मतलब ये जो वोल्टेज है वीईबी, वीईबी की वैल्यू हो जाएगी 0.7। और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज ओपन सर्किट, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो ओपन सर्किट में भी नहीं होता, तो ओपन सर्किट जैसे उसको अज्यूम कर सकते हैं हम। और ओपन सर्किट जो है इट कलेक्ट ऑल द करंट, ऑल द वोल्टेज अक्रॉस इट, ओपन सर्किट जो है इट इट अपियर ऑल द वोल्टेज अपियर्स अक्रॉस द ओपन सर्किट, ये बोल सकते हैं हम कि बैटरी का सारा वोल्टेज ओपन सर्किट के अक्रॉस आ जाता है। और उसके पीछे मैंने कल मैंने प्रूव करके बताया था कि कैसे आता है एग्जांपल लेके, तो सारा वोल्टेज यहीं पे आ जाएगा बैटरी का, मतलब बैटरी में वीसीसी जो वोल्टेज है, अगर वीसीसी का वैल्यू अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो सी और बी के बीच में वोल्टेज 20 वोल्ट आ जाएगा, अगर वीसीसी की वैल्यू 10 वोल्ट है तो यहाँ पे सी और बी के बीच में 10 वोल्ट आएगा, मतलब कंप्लीट वोल्टेज ऑफ बैटरी विल अपियर अक्रॉस वीसीबी, वीसीबी विल बी इक्वल टू सेम एज वीसीसी, वीसीबी और वीसीसी सेम रहेगा क्योंकि करंट आईसी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी करंट आईसी नहीं बोल सकते बल्कि ये रिवर्स बायस के अक्रॉस, रिवर्स बायस में से करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि आईसी करंट जो है हम ये नहीं बोल सकते, आईसी करंट जो है बेस से कलेक्टर की तरफ फ्लो हो रहा, ये एमिटर से करंट कलेक्टर की तरफ आएगा वो आईसी बनेगा, वो अलग चीज है। लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन का मतलब ये होता है कि कलेक्टर बेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा करंट का वो आइडियली जीरो हो जाएगा, कलेक्टर और बेस के बीच में करंट का ट्रांजेक्शन आइडियली जीरो हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकली वो माइक्रो एम्पियर में रहता है, नैनो एम्पियर माइक्रो एम्पियर में रहता है, तो आइडियली इसको जीरो अज्यूम कर सकते हैं हम, तो यहाँ का जो वोल्टेज है सारा का सारा वीसीबी यहीं पे आके जमा हो जाएगा। ये जो करंट आईसी है ये एक्चुअली आईई से तरफ से आ रहा है, बेस की तरफ से नहीं है, मतलब यहाँ पे आई जो है उसके दो पार्ट बन गए बेस, और अब ये पीएनपी इसलिए इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अगर एनपीएन होता तो मैं इजीली समझा देता इसको, तो अगला एग्जांपल हम आगे लेंगे तो एनपीएन से समझा दूंगा उसको मैं। एनपीएन में क्या होगा, यहाँ से बेस से करंट एंटर होगा, कलेक्टर से करंट एंटर होगा और एमिटर से करंट आउटवर्ड जाएगा, तो ये इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा कलेक्टर और बेस के बीच में आपस में जो ट्रांजेक्शन होगा करंट का वो आइडियली जीरो होता है। ठीक है, अब इसको और हम डेप्थ में आगे समझेंगे, फिलहाल अभी जो मुझे समझाना था वो है कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है इसका कौन से टाइप का ये एम्पलीफायर बनता है, वोल्टेज या करंट एम्पलीफायर, ये हमारा एम है इस टॉपिक पर।
तो अभी हम उसी को फोकस करेंगे अभी। तो यहाँ पे इनपुट में जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.7 वोल्ट, और आउटपुट का वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनपुट में वोल्टेज कम है, आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा है, तो ये वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इज नाउ इन कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन, ट्रांजिस्टर इज एम्पलीफाइंग वोल्टेज। लेकिन करंट को अगर देखते हैं हम, तो करंट आई और आई सी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। आई बी की वैल्यू जो है, एक्चुअली तीनों करंट को हम देखेंगे तो केसीएल बना सकते हैं हम। केसीएल इक्वेशन क्या रहेगा, आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, क्योंकि आई करंट एंटर हो रहा है ट्रांजिस्टर में और आई बी और आई सी एग्जिट कर रहे हैं। तो आई ई विल बी इक्वल टू सम ऑफ आई बी एंड आई सी। आई बी और आई सी को ऐड करेंगे तो आपको आई मिलेगा, और आई बी की वैल्यू बिकॉज बेस जो है उसके अंदर डिप्लीशन बेस का जो रीजन है वो बहुत लाइटली डोप्ड होता है, उसमें डोपिंग बहुत कम होती है। डोपिंग कम होने से उसका करंट का फ्लो भी वहां पे कम रहता है, तो आई बी की वैल्यू करंट की काफी कम रहेगी। आई बी की वैल्यू जो है 1000 × 10⁻³ का डिफरेंस आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब 1000 का 3 डेसिमल का फर्क आता है। तो आई ई की वैल्यू अगर 1 mA है तो ये 1 μA इस तरह का फर्क अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, तो मिली और माइक्रो का फर्क आ गया। तो आई ई जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम एज आई सी होती है। तो आई ई जो है जितना यहाँ से एंटर हो रहा, हम ये कहेंगे सारा का सारा आई सी बन के इधर आ रहा, और आई बी की वैल्यू आइडियली जीरो है, निग्लिजिबल कर देंगे तो जीरो अज्यूम कर लेंगे उसको। तो आई ई सारा इधर आ रहा, तो आई ई की वैल्यू सेम एज आई सी है, तो करंट को ये एम्पलीफाई नहीं कर रहा। इन ट्रांजिस्टर के इनपुट में जितना करंट है आउटपुट में उतना ही करंट है। तो अब गेन एक पैरामीटर होता है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि ट्रांजिस्टर कितना आउटपुट बढ़ा के दे रहा है। गेन एक पैरामीटर है जिससे हम उसका आउटपुट मेजर कर सकते हैं कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो गेन क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट करेंगे तो गेन मिलता। तो करंट गेन एक चीज है और वोल्टेज गेन एक चीज है, और दोनों को मिला देंगे तो पावर गेन होता है। तो करंट गेन मतलब आउटपुट करंट अपन इनपुट करंट, करंट तो करंट गेन क्या होगा, आईसी अपॉन आई, और आईसी की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आईसी अपॉन आई, और उसकी वैल्यू आएगी 1। तो करंट गेन इसका 1 है, इसका मतलब ये एम्पलीफायर करंट एम्पलीफायर नहीं है। फॉर अ डिवाइस टू वर्क एज एम्पलीफायर द गेन मस्ट बी पॉजिटिव, उसकी वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो एम्पलीफायर काम करेगा। यहाँ पे देखो करंट एम्पलीफायर का जो करंट गेन का फॉर्मूला है, ए आई, ए मतलब गेन होता है, आई यानी करंट, और बी मतलब होता है कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन में। तो कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन में करंट का गेन जो होता है उसको एक और टर्म से हम डिफाइन करते हैं, वो अल्फा। अल्फा इज ऑल्सो नोन एज करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, अल्फा जो है करंट गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन में, और मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। बी बता रहा है कि कॉमन बेस है, आई बता रहा है कि करंट का गेन है, और ए यानी गेन है। ठीक है, तो करंट गेन होता है आईसी अपॉन आई, और आईसी और आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, तो कैंसिल करके हम इसके अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा उसको एग्जैक्टली लेने की कोशिश किया, यहाँ पे आई की वैल्यू ज्यादा होती है आई बी आईसी से, आई की वैल्यू ज्यादा होती है आईसी से, कितना ज्यादा होगी, आई बी के बराबर। तो आई क्योंकि ज्यादा है इसलिए अल्फा की वैल्यू लेस देन एक्चुअल में कम आएगी, थोड़ी 1 से करीब होगी लेकिन थोड़ा कम रहेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू करीब करीब सेम होती है लेकिन आई उससे बड़ा होता है थोड़ा, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो उसको एम्पलीफायर नहीं बोल सकते। एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द आउटपुट, मतलब आउटपुट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू 1 है तो बढ़ा नहीं रहा, तो यहाँ पे आइदर अगर आइडियल केस लेंगे तो अल्फा इक्वल टू 1 होगा, प्रैक्टिकल केस लेंगे तो लेस देन 1 होगा, उस केस में ये करंट एम्पलीफायर हो ही नहीं सकता। अब वोल्टेज एम्पलीफायर अगर देखते हैं तो आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है। आउटपुट वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज है जो रिवर्स बायस जंक्शन में बन रहा, और इनपुट वोल्टेज है जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन में बन रहा। तो रिवर्स बायस जंक्शन का वोल्टेज ज्यादा होता है, फॉरवर्ड बायस का तो 0.7 होता है। तो इसका मतलब आउटपुट अपन इनपुट करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी। तो ए बी बी मतलब वोल्टेज गेन इन कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन विल बी ग्रेटर देन 1, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा 1 से ज्यादा, मतलब वेरी मच ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं उसको, काफी बड़ा रहेगा क्योंकि नीचे में 0.7 है और ऊपर की वैल्यू जो है 10-12 बैटरी की वैल्यू के बराबर आएगी, तो ए बी बी की वैल्यू काफी ज्यादा रहेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इट इट कैन बी यूज्ड ओनली टू एम्पलीफाई वोल्टेज नॉट करंट। ये सिर्फ वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के काम का है, करंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आएगा, ये कल नहीं पढ़ते हमने इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर से पहले हम आते हैं कॉमन कलेक्टर पे। हाँ, कॉमन एमिटर क्योंकि ज्यादा सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बाद में पढ़ेंगे।
कॉमन कलेक्टर जो है, इसमें क्या होगा, कलेक्टर जो है आप देख सकते हैं एमिटर एरो ऊपर है, मतलब एमिटर ऊपर चला गया, कलेक्टर नीचे आ गया, बेस इनपुट है और एमिटर आउटपुट है, और कलेक्टर कॉमन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इसके अंदर बायसिंग समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉमन बेस है बायसिंग बहुत इजीली समझ में आती है, कॉमन बेस की बायसिंग बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, लेकिन कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर की बायसिंग जो है आप इजीली नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ एक साइड की समझ आएगी। जैसे यहाँ का देख लो, बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो, और एमिटर बेस जंक्शन। मुझे बताओ इसका एम्पलीफायर अगर बनाना है तो एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की बायसिंग कैसी करूं, बताओ जल्दी से, किसको फॉरवर्ड किसको रिवर्स करना है। एमिटर को फॉरवर्ड, कलेक्टर को रिवर्स। हाँ, एमिटर को फॉरवर्ड करना है, कलेक्टर को रिवर्स करना है, मतलब एमिटर बेस को फॉरवर्ड करना है, कलेक्टर बेस को रिवर्स करना है, ठीक है। तो एमिटर बेस को फॉरवर्ड करना ये तो हम यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, कलेक्टर बेस को रिवर्स देख सकते हैं, कलेक्टर बेस को रिवर्स करना है। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन है कि पीएनपी, ये बता दो मेरे को, एनपीएन है कि पीएनपी है। एनपीएन है, कैसा पहचान है एनपीएन है? एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसका मतलब एनपीएन है, ठीक है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स करना है, तो बेस पे लगाना पड़ेगा, देखो एन कलेक्टर जो एन टाइप का है तो उसे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, तो इधर जाके देखो ये पॉजिटिव लगा है, एन पी तो बेस पी टाइप का, उस पर निगेटिव आना चाहिए, इधर देखो निगेटिव आ गया। तो ये कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने इस ये वाली बैटरी वी बी बी से बैटरी से इसको रिवर्स बायस कर दिया। लेकिन एमिटर बेस जंक्शन को देखेंगे तो एमिटर बेस जंक्शन के बीच में कोई बैटरी नहीं है, एमिटर बेस जंक्शन के बीच में कोई बैटरी नहीं है, एमिटर कलेक्टर के बीच में बैटरी लगी है, और एमिटर कलेक्टर के बीच में दो जंक्शन आती, एमिटर से बेस एक जंक्शन है, बेस से कलेक्टर एक जंक्शन है, दो जंक्शन के अक्रॉस एक बैटरी लगी है वीईई। तो इसकी बायसिंग इसी तरह से की जाती, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल्स दो है, एमिटर कलेक्टर, इनपुट टर्मिनल दो है, बेस और कलेक्टर, तो आउटपुट की बैटरी वीईई है, तो आउटपुट की बैटरी हमने लगा दिया दो जंक्शन के अक्रॉस, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस, ये दो जंक्शन के अक्रॉस एक बैटरी लगी है। अब ये बैटरी इसकी बायसिंग देखना है अगर हमको है, कि ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, तो कैसे पहचानेंगे, देखो एनपीएन है तो एन पे क्या लगा है, देखो एन पे लगा है बैटरी का निगेटिव, इधर साइड में इस साइड में देखो बी बी क्या है, पी है, पी टाइप का, पी पे लगा होना चाहिए बैटरी का पॉजिटिव, लेकिन क्या लगा इधर देखो, बैटरी का निगेटिव, तो इधर भी निगेटिव लगा, इधर भी निगेटिव लगा, तो अब इसको समझना काफी डिफिकल्ट है कि ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, इसको समझना काफी डिफिकल्ट है। इसको समझने के लिए हमको पूरा एक मैथमेटिकल इक्वेशंस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे कहां से, बैटरी ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे केवीएल को, और बैटरी का यहां से बैटरी से पास करेंगे केवीएल को ऐसे, और यहां तक लाएंगे, ठीक है, यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम केवीएल लगाएंगे, मतलब यहां देखो बैटरी का प्लस से माइनस, बैटरी ड्रॉप आ रहा, और यहाँ पे फिर करंट कैसा फ्लो होगा, करंट ऐसा फ्लो हो रहा, तो इधर लेफ्ट में प्लस राइट में माइनस रहेगा, तो यहाँ पे राइज आएगा, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी VE की वैल्यू रहेगी, तो VE विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, IERE करंट इनटू रेजिस्टेंस माइनस VEE, तो यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा, VE का वोल्टेज मिल जाएगा, मतलब एमिटर साइड का वोल्टेज हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग KVL, उसी तरीके से यहाँ पे KVL लगाने के बाद हम बैटरी का ड्रॉप और यहाँ का राइज इसे निकाल के यहाँ VB का वोल्टेज निकालेंगे, यानी बाय अप्लाइंग KVL हम VE का वोल्टेज निकालेंगे, और इधर अप्लाई, इधर KVL अप्लाई करके यहाँ का VB का वोल्टेज निकालेंगे, तो मतलब इसको पता करने के लिए, यानी कॉमन कलेक्टर या कॉमन एमिटर, इसमें ये जो ऊपर में जंक्शन होता है इसकी बायसिंग पता करने के लिए आपको KVL लगाना पड़ता है, इधर KVL लगा के हम पहले इस टर्मिनल का, एमिटर टर्मिनल का वोल्टेज निकालेंगे, इधर KVL लगा के बेस का वोल्टेज निकालेंगे, और हम अब देखेंगे कि ये हायर वोल्टेज किधर है और लोअर वोल्टेज किधर है। अब इसको हमको रिवर्स, इसको करना था फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस को फॉरवर्ड करना है, तो एन एमिटर एन टाइप का है तो एन पे जो है लोअर वोल्टेज आना चाहिए, और बी पी टाइप का है, बेस जो इसका पी टाइप का है इस पे हायर वोल्टेज आना चाहिए, मतलब जो भी वोल्टेज कॉम्बिनेशन आता है उसमें हायर वोल्टेज बी पे आना चाहिए, लोअर वोल्टेज ई पे आना चाहिए, तब जाके ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो अपने को ये यहाँ पे इसको ऐसा देख के बता नहीं सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि ये जो है एम्पलीफायर है और इसको बायसिंग इस तरह की हुई है, यहाँ पे वीई की वैल्यू लिखी नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी नहीं है, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस टाइम पे तो सारी वैल्यूज होती है, हम केवीएल लगा के निकाल के चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस किया हुआ है और ये रिवर्स बायस किया हुआ है, यहाँ दिख रहा है ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस दिख नहीं रहा, देखने के लिए हमको केवीएल लगाना पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ से हम जस्ट हम थेरेटिकल टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस है। अब इस केस में करंट और वोल्टेज, पहले करंट को देख लेते हैं, करंट इनपुट करंट आउटपुट करंट के बीच में क्या रेशियो है। इनपुट करंट का नाम है आईबी, आउटपुट करंट का नाम आईई है, और केसीएल जो है वो कैसा होता है, केसीएल इज केसीएल क्या बताएगा, आईई इक्वल्स टू आईबी प्लस आईसी। केसीएल मतलब आई इक्वल्स टू आईबी प्लस आईसी होता है, जिसमें आईबी की वैल्यू सबसे कम है और आईई की वैल्यू सबसे ज्यादा है। आईई इज द लार्जेस्ट करंट इन द ट्रांजिस्टर एंड आईबी इज द स्मॉलेस्ट करंट। तो इनपुट स्मॉल है, आउटपुट ज्यादा है, इनपुट सबसे कम है और आउटपुट सबसे ज्यादा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉमन कलेक्टर है ये करंट को एम्पलीफाई करता है। अब वोल्टेज को करता कि नहीं करता वो देखते हैं। अब वोल्टेज का देखो, वोल्टेज में यहाँ पे ये रिवर्स बायस है, ये वाली जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स है, तो इसके अक्रॉस सारा वोल्टेज आ जाएगा बैटरी का, बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा वीबीबी सारा वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। अब ये वीबीबी बैटरी समझ लीजिए 6 वोल्ट की है, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना है 0.7। तो यहां से लेकर यहां तक, कलेक्टर से लेकर बेस तक का वोल्टेज है 6 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 6 वोल्ट की लगाए थे हमने यहाँ पे वीबीबी, और बी से ई का वोल्टेज है 0.7। तो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट वोल्टेज कितना हो जाएगा फिर, सीबी प्लस बीई, 6.7। तो इस साइड का वोल्टेज कितना होगा फिर वीसी यहां से लेकर यहां तक का 6.7, सही है कि नहीं, यस और नो, समझा कि नहीं समझा। यस सर। ये मैंने क्या किया यहाँ पे वोल्टेज केवीएल लगा अप्लाई किया, केवीएल मतलब वोल्टेज का मैंने एक्चुअली जो वोल्टेज डिवीजन होता है ना वो लगाया। यहां से लेकर एमीटर से लेकर कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो कंप्लीट क्या है, वीसीई वोल्टेज है, ठीक है। और इधर साइड का जो वोल्टेज है सीबी प्लस बीई, सीबी प्लस बीई मिलाएंगे तो वीसी हो जाएगा, सीबी का वोल्टेज प्लस बीई का वोल्टेज मिलाएंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो कंप्लीट ऊपर से नीचे तक वोल्टेज आएगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। यस सर। हाँ, ये जंक्शन रिवर्स बायस है, ये जंक्शन रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज बैटरी का आएगा पूरा पूरा। अब बैटरी मैंने अज्यूम कर लिया 6 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट अज्यूम कर लो, चलो 10 वोल्ट की बैटरी अज्यूम कर लो, तो 10 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट आएगा, और ऊपर का वोल्टेज तो फिक्स 0.7 क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होता है, तो ये 0.7 रहेगा। तो यहां से लेकर यहां तक 10 और ऊपर में 0.7, तो 10 प्लस 0.7 इज 10.7। तो यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज जो है कंप्लीट 10.7 आएगा। तो ये 10.7 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है देखो, एक मिनट फोन है, तो हम देख रहे थे वोल्टेज के बीच में डिफरेंस। तो इनपुट वोल्टेज का नाम क्या है, बेस और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज इनपुट है और एमिटर कलेक्टर के बीच का वोल्टेज आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा, मैंने एग्जांपल लिया 10 वोल्ट का, तो यहाँ पे है 10 वोल्ट और इधर है 10.7, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है 10.7 के बीच में, इनपुट आउटपुट वोल्टेज के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है बस, ज्यादा मतलब बीसी जो है इट इज 0.7 टाइम्स, 0.7 टाइम्स नहीं बोलते, इट इज मोर बाय 0.7, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज इज स्लाइटली हायर देन इनपुट वोल्टेज, मतलब जो बाय स्मॉल वैल्यू 0.7, 0.7 से थोड़ा ज्यादा है बस, इनपुट वोल्टेज जो भी होगा उससे आउटपुट वोल्टेज सिर्फ 0.7 वोल्ट ज्यादा रहेगा। और 0.7 को हम कभी भी जीरो करके अज्यूम करके देख लेते हैं, आइडियल केस इसको फॉरवर्ड बायस की जो वोल्टेज होता है वो आइडियल जीरो ही होता है और प्रैक्टिकली 0.7 होता है, तो आइडियल वैल्यू अगर लेते हैं तो हम भी बोलेंगे कि इनपुट आउटपुट वोल्टेज सेम है। तो ये ट्रांजिस्टर जो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन में वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करता, सिर्फ करंट एम्पलीफाई करता है, कॉमन कलेक्टर में सिर्फ ये करंट एम्पलीफाई कर रहा है, क्योंकि करंट आई बी इनपुट है और आई बी इज द स्मॉलेस्ट करंट, ठीक है। एक मिनट, एचओडी को थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था, प्रिंसिपल का एचओडी था, तो हम कहां पढ़ क्या पढ़ रहे थे, इसका अपन करंट देख ली, करंट का इसका एम्पलीफाई क्या है, इसका करंट एम्पलीफाई कितना कर रही है, आई बी जो इसकी वैल्यू है माइक्रो एम्पियर में, आई की वैल्यू मिली एम्पियर में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स करंट एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। इनपुट अगर समझ लीजिए 1 मिली माइक्रो एम्पियर, आउटपुट 1 मिली एम्पियर है,
तो यहाँ मैं कह सकते हैं कि आउटपुट इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन इनपुट, सो इट कैन बी यूज्ड एज करंट एम्पलीफायर। इसमें कोई डाउट है किसी को? यस एनीवन? नहीं अब वोल्टेज एम्पलीफिकेशन अगर देखते हैं इसका, तो इसका आउटपुट का वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में डिफरेंस कितना आ रहा? जस्ट 0.7 वोल्ट का आ रहा, और 0.7 वोल्ट फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब इनपुट वोल्टेज अगर 6 वोल्ट रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज वो 6.7 रहेगा। अगर इनपुट 10 है तो आउटपुट 10.7 रहेगा, इनपुट 15 है तो आउटपुट 15.7 रहेगा। जस्ट 0.7 का एडिशन रहेगा इसमें। तो हम ये कह सकते हैं इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। ठीक है, इसको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसमें कोई डाउट है आपको? यस एनी डाउट? नो सर। तो कॉमन कलेक्टर को याद रखेंगे, कॉमन कलेक्टर जो है करंट एम्पलीफायर है। कॉमन कलेक्टर इज यूज्ड फॉर करंट एम्पलीफिकेशन, और कॉमन बेस किधर गया? ये कॉमन बेस इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, और रहा तीसरा, ये कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर के अंदर इसकी बायसिंग चेक कर लेते हैं। इसकी बायसिंग, इसमें बताओ, इसको एम्पलीफायर बनाना है मुझे, तो एमिटर बेस को मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड के रिवर्स क्या करूंगा इसको, एमिटर बेस को बोलो फॉरवर्ड फॉरवर्ड करूंगा, फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस को क्या करूं, रिवर्स। रिवर्स। कलेक्टर बेस रिवर्स करना है, एमिटर बेस फॉरवर्ड करना है। और ट्रांजिस्टर यहाँ पे पीएनपी है कि एनपीएन है? पीएनपी ये पीएनपी। हाँ बिल्कुल सही, पीएनपी है, क्योंकि एरो इसका इनवर्ड है, इसलिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस को फॉरवर्ड करना है, मतलब एमिटर जो है वो पी है और बेस जो है वो एन टाइप का है। एमिटर पी टाइप का है तो बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया हमने इधर वीबीबी, और बेस जो है उसका एन टाइप का है तो बैटरी का निगेटिव लगा दिया। तो एमिटर बेस जो हो गया फॉरवर्ड बेस। अब कलेक्टर बेस को रिवर्स करना है, कलेक्टर बेस को रिवर्स करना है। तो यहाँ देखो इसमें पी एन पी, तो पी पे होना चाहिए पॉजिटिव लेकिन लगा है निगेटिव, और इस साइड में एन के ऊपर होना चाहिए, इसको रिवर्स करना है तो एन पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ लगा है निगेटिव, तो दोनों साइड में निगेटिव लगा है। तो इसको इसको समझना काफी डिफिकल्ट है यहाँ पे, जब तक कि हम इसको केवीएल नहीं लगाएंगे हम बता नहीं सकते कि ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। लेकिन क्योंकि हमको ये टॉपिक इस तरह से पढ़ना है, कॉन्फिगरेशन बस हमको देखना है कि एम्पलीफायर है, ये कंफर्म्ड एनपी एम्पलीफायर है, ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर है, मतलब इसका मतलब ये है कि कम ये रिवर्स बायस है। क्या मतलब? एक मिनट, एमिटर बेस ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि ये पी एन पी है और एमिटर पी टाइप का है तो बैटरी का पॉजिटिव पे लगा हुआ है, एन जो है बेस एन टाइप का है तो बैटरी के निगेटिव पे लगा है, तो ये कंफर्म्ड है कि ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस चेक करने के लिए हमको यहाँ पे केवीएल लगाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर केवीएल हम लगाएंगे सी तक, और कलेक्टर का वोल्टेज निकालेंगे उस तरीके से। इस साइड में इस लूप में हम केवीएल लगा के बेस का वोल्टेज निकालेंगे, और हम जब दोनों वोल्टेजेस निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको रिवर्स बायस अगर रखना है तो कलेक्टर होना, कलेक्टर पी टाइप का है तो उस पर आना चाहिए लोअर वोल्टेज, और बेस एन टाइप का है तो उस पर हायर वोल्टेज आएगा, तभी जाके ये रिवर्स बायस होगा और तब ये एम्पलीफायर का काम करेगा। तो केवीएल लगाने से हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये एम्पलीफायर है, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया होगा कलेक्टर बेस जंक्शन, तो ये अज्यूम्ड है। अब इस केस में देखना है करंट एम्पलीफायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इनपुट करंट का नाम है आई बी, आउटपुट करंट का नाम है आई सी। तो आई सी करंट की जो रेंज है वो मिली एम्पियर के रेंज में है, और आई बी माइक्रो एम्पियर के रेंज में। फिर से वो डिफरेंस आ गया 1000 टाइम्स का, कि आई आउटपुट करंट आई सी इज 1000 टाइम्स लार्जर देन आई बी। ठीक है, तो ये करंट को एम्पलीफाई कर रहा है डेफिनेटली, इसमें कोई वो नहीं। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो जंक्शन रिवर्स बायस होता है उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आता है, ये जंक्शन के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, और ये जंक्शन के अक्रॉस जो है 0.7 वोल्ट फिक्स रहेगा। ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, इसके अक्रॉस आएगा 0.7, और कलेक्टर बेस के अक्रॉस आएगा मैक्सिमम वोल्टेज। अब मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ तो कोई बैटरी नहीं लगी है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क लगा के हम बाजू में देखते हैं वीसीई को। तो वीसीई का जो वोल्टेज होता है, मतलब एमिटर से लेकर कलेक्टर का जो वोल्टेज होता है, इट इज सम ऑफ टू वोल्टेजेस। एक तो होता है बेस एमिटर वोल्टेज और एक है कलेक्टर बेस वोल्टेज, मतलब यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज, एमिटर से बेस और कलेक्टर बेस वोल्टेज, दोनों वोल्टेज को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा वीसीई, यहां से यहां तक का वोल्टेज मिलेगा। और वीसीई का वैल्यू कितना है, ये है, इसको लगी बैटरी वीसीसी की बैटरी,
और VCE के यहां से लेकर यहां तक जाने में एक जंक्शन है फॉरवर्ड बायस, एक जंक्शन है रिवर्स बायस, तो ये जो VCC है इसका एक पोर्शन 0.7 यहां पे आएगा और बचा हुआ सारा यहां पे आएगा। इस VCC का वोल्टेज में से 0.7 वोल्टेज इधर आएगा और बचा हुआ पूरा वोल्टेज ऊपर आएगा, तो मतलब इसके अक्रॉस यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि VCC वोल्टेज होगा, क्योंकि यहां पे ये फॉरवर्ड बायस है उसका वोल्टेज होता है 0.7 वोल्टेज और उसके ऊपर का जो वोल्टेज होगा x वोल्टेज, अगर लेते हैं x वोल्टेज तो x plus 0.7 is equals to VCE और VCE के साथ में लगी बैटरी VCC की, तो इसको हम ये समझ लेते फॉर टाइमिंग कि VCE सेम एज VCC, VCE का वोल्टेज जो है VCE के बराबर है। उस केस में क्या होगा, इनपुट का वोल्टेज है 0.7 वोल्टेज और आउटपुट का वोल्टेज जो है वो VCE वो ज्यादा है, तो आउटपुट वोल्टेज इज लार्जर देन इनपुट वोल्टेज, सो इट इज यूज्ड एज वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, VCE और VCC दोनों सेम नहीं होते, दोनों में डिफरेंस होता है। VCE की वैल्यू जैसे VCC वैल्यू अगर 12 वोल्ट की बैटरी अगर आपने लगा तो यहाँ पे 7-8 वोल्ट ऐसा कुछ आएगा, ठीक है 6-7-8 ऐसे कुछ रेंज में वोल्टेज यहाँ पे आएगा। लेकिन अभी टाइम बिंग हम क्योंकि डिफरेंस कैसे आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस क्या करता है वोल्टेज को ड्रॉप करता है, तो VCC में से यहाँ का ड्रॉप माइनस कर लेंगे तो जो वोल्टेज बचेगा वो VCE होगा। तो टाइम बिंग थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे नहीं है और सारा सारा वोल्टेज यहाँ पे VCC आ रहा है, तो VCC वोल्टेज जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है समझिए 12 वोल्ट है, तो उसमें से 0.7 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, बचा हुआ 11.3 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज 11.3, यहाँ का 0.7 और सारा का सारा वोल्टेज रहेगा वो 12 वोल्ट रहेगा, तो आउटपुट 12 इज ग्रेटर देन इनपुट का 0.7, तो यहाँ पे वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है। तो कॉमन एमिटर जो है करंट को भी एम्पलीफाई कर रहा है, वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर रहा है, दोनों को एम्पलीफाई कर रहा है, इसका मतलब ये पावर एम्पलीफायर है। ऊपर वाला जो था ये कॉमन बेस, ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कर रहा था, करंट को नहीं कर रहा था एम्पलीफाई, और कॉमन कलेक्टर जो था ये वाला, ये सिर्फ करंट को एम्पलीफाई कर रहा था, वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर रहा था, और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है ये करंट को भी एम्पलीफाई कर रहा है, वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर रहा, बिकॉज इट इज एम्पलीफाइंग बोथ करंट एंड वोल्टेज, इट इज कॉल्ड एज पावर एम्पलीफायर, ठीक है, इसको हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। तो अगर किसी ने पूछा आपको आउट ऑफ कॉमन आउट ऑफ थ्री कॉन्फिगरेशन विच कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज पावर एम्पलीफायर, तो आप बताएंगे कॉमन एमिटर, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, यस एनी डाउट, समझ में आया सबको ये, यस और नो? यस सर, ठीक। अब इसके आगे हम चलते हैं, और ये हो गए कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका कंस्ट्रक्शन था। अरे कंस्ट्रक्शन में सबसे स्टार्टिंग में देख लेते कंस्ट्रक्शन इसका, कंस्ट्रक्शन में कलेक्टर का जो साइड है वो साइज यानी साइज में सबसे बड़ा होता है कलेक्टर, और एमिटर जो है वो मीडियम होता है और बेस एकदम थिनर होता है, और डोपिंग कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो एमिटर इज हेवीली डोप्ड और बेस सबसे कम डोपिंग होती है लाइटली डोप्ड, और कलेक्टर जो है वो एवरेज होता है, कलेक्टर का जो डोपिंग होता है वो एवरेज लेवल होता है, ठीक है। एमिटर का सबसे ज्यादा होता है, बेस का सबसे कम डोपिंग होती है, एमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है और कलेक्टर की एवरेज होती है। साइज में देखेंगे तो सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होता है, सबसे छोटा साइज बेस का होता है, और एवरेज साइज जो है एमिटर का होता है। ये दो चीज इसमें आपको आने समझ में आने मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समराइज किया टेबलेट फॉर्म में, इसको भी देख सकते हैं आप। इसके बाद हम चलते हैं एक सारे न्यूमेरिकल से, ये टॉपिक ले लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। ये है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन ये जो वर्ड है इसमें इसका मतलब ये होगा कि ये मॉड्यूलेशन है बेस की विड्थ का, ठीक है। तो बेस जो है कलेक्ट बेस वैसे थिनर होता है, यहाँ पे आप देखो फिगर के अंदर यहाँ पे एन टाइप रीजन यहाँ से लेकर इतना है डार्क लाइन तक, ये एन टाइप रीजन एमिटर है, ठीक है। और बेस कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है पूरा, और कलेक्टर जो है ये व्हाइट रीजन कलेक्टर का है, और ये जो बीच ये जो डार्क ग्रे दिख रहा है आपको कलर डार्क, तो ये इतना बड़ा इसकी जिसकी विड्थ डी है, ये डिप्लीशन रीजन है बीच में, यानी ये पी और एन के बीच का डिप्लीशन रीजन है। वैसे ये जो डार्क ब्लैक दिख रहा है ये डिप्लीशन रीजन है एन और पी के बीच का, मतलब एमिटर और बेस के बीच का डिप्लीशन रीजन ये ब्लैक वाला है,
और कलेक्टर बेस के बीच का डिप्लीशन रीजन ये ग्रे है, ठीक है। अब ये जो थिन है क्यों है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, ये एम्पलीफायर की तरह अगर हम इसको करते हैं तो एमिटर बेस को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एमिटर बेस जब फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन काफी थिन होती है, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी कम होता है 0.7। रिवर्स बायस कर दिया हमने इसको कलेक्टर बेस को, तो इसका डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई, रिवर्स बायस में विड्थ बढ़ती है, हमने ये पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में, तो ये विड्थ इसकी ज्यादा है। अब इसकी जो विड्थ ज्यादा है तो इसका जो पोर्शन है, कितना पोर्शन इसका विड्थ का कलेक्टर में एंटर होगा और कितना पोर्शन बेस में एंटर होगा, ये डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर, कि कितना कंसंट्रेशन इधर है चार्ज कैरियर्स का और इधर कितना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर तो हमने इसके पहले पिछले टॉपिक में देखा कि बेस का जो डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे कम होता है और कलेक्टर का ज्यादा होता है, एमिटर का सबसे ज्यादा होता है डोपिंग कंसंट्रेशन और कलेक्टर का एवरेज होता है, लेकिन सबसे कम किसका है, बेस का है। तो अगर ये डिप्लीशन विड्थ को अगर बढ़ना हुआ तो ये ज्यादा बढ़ेगा बेस के अंदर और कलेक्टर में कम बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है अगर डबल का है, बेस का कंसंट्रेशन जितना है उससे डबल कंसंट्रेशन जो है कलेक्टर का है, तो विड्थ भी इसकी अगर बढ़ेंगी तो जितनी इसके अंदर एंटर होंगी, जितनी कलेक्टर में एंटर होंगी उसके डबल जो है बेस में एंटर होंगी। अब समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग? सब एक और बार रिपीट कर दीजिए। ये जो है ये बेस का जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम होता है, सबसे कम बेस का ही कंसंट्रेशन होता है और सबसे ज्यादा एमिटर का होता है, और कलेक्टर का कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो एवरेज होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया कि कंसंट्रेशन अज्यूम करो टाइम बीइंग कि इसमें डबल है, मतलब यहाँ पे बेस का जो कंसंट्रेशन है उससे डबल कंसंट्रेशन कलेक्टर का है। अगर ऐसा हुआ तो बेस विड्थ, ये जो डिप्लीशन विड्थ अगर बढ़ेंगी तो ये जितना कलेक्टर साइड में एंटर करेंगी उससे ज्यादा वो बेस में एंटर करेगी, और कितना एंटर करेंगी, डबल, क्योंकि इसका इसका जो कंसंट्रेशन है वो इससे आधा है, कलेक्टर का जो कंसंट्रेशन है उससे आधा कंसंट्रेशन इसका अगर है तो बेस विड्थ क्या करेगा, अगर ये डिप्लीशन विड्थ क्या करेगा, इसमें डबल एंटर करेगा, इसमें वन टाइम एंटर करेगा, इसमें टू टाइम एंटर होगा, इसमें वन टाइम एंटर होगा। और अगर कंसंट्रेशन का जो जो रेशियो है अगर वो फोर टाइम्स का है, मतलब अगर इसका डोपिंग कंसंट्रेशन से कलेक्टर का कंसंट्रेशन चार टाइम्स अगर ज्यादा है तो ये डिप्लीशन विड्थ जब बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो ये फोर टाइम्स ग्रो करेगा इसके अंदर, बेस के अंदर, और कलेक्टर में सिर्फ वन टाइम ग्रो करेगा। समझ में आएगा ये? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये जो ग्रो कर रहा है ये, कि इसके जो ये तो हमने फर्स्ट यूनिट में देख लिए थे, ये बढ़ता कब है, कम कब होता है। रिवर्स बायस डिप्लीशन विड्थ ऑलवेज इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज, जो वोल्टेज उसको रिवर्स बायस कर दिया ना, वो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विड्थ बढ़ती जाएगी इसकी। तो यहाँ पे इस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए हमने बैटरी वीसीसी का यूज किए, तो वीसीसी इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है, इसने इसको रिवर्स वोल्टेज, मतलब ये इसको रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स बायस वोल्टेज बोल सकते हैं। तो जितना वोल्टेज आप वीसीसी का बढ़ाते जाएंगे उतनी ये विड्थ बढ़ती जाएगी। अब ये बढ़ेंगी तो ये इक्वल शेयर में नहीं बढ़ेगी, मतलब ये आइदर ऐसा नहीं बोल सकते कि इट विल टेक द सेम पोर्शन ऑफ बेस एंड कलेक्टर साइमल्टेनियसली। ये जब बढ़ेंगी तो ये बेस में ज्यादा पेनिट्रेट करेगी और कलेक्टर में कम पेनिट्रेट करेगी। अगर मैंने इसका जो कंसंट्रेशन अगर फोर टाइम्स का है, मतलब कलेक्टर का जो कंसंट्रेशन अगर चार गुना है, चार टाइम्स बड़ा है इससे बेस से, तो इसका जो डिप्लीशन रीजन का जो ग्रो होगा तो ये फोर टाइम्स पेनिट्रेट करेगा इसके अंदर बेस में और वन टाइम पेनिट्रेट करेगा कलेक्टर में। लेकिन जो कंसंट्रेशन होता है ये बहुत ज्यादा होता है कलेक्टर का, ना टू टाइम्स ना फोर टाइम्स, टेन टाइम्स से ज्यादा होता है। तो उस केस में क्या होगा, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सारा के सारा वो बेस में पेनिट्रेट कर रहा, सिंस बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड ऑल द डिप्लीशन विड्थ विल ग्रो इनटू द बेस रीजन। तो यहाँ पे विद द इंक्रीज इन वोल्टेज वी कैन ऑब्जर्व द विड्थ ऑफ बेस चेंजेस, और ये कम होते जाएगा, जैसे ये डिप्लीशन विड्थ बढ़ता जाएगा तो बेस का जो विड्थ था वो कम होता जा रहा, बेस का इफेक्टिव विड्थ यहाँ से इतना ही रहेगा। अभी अगर मैंने वोल्टेज और बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो है ग्रे लाइन ये और यहाँ तक आ जाएगी, तो बेस का जो इफेक्टिव विड्थ था वो और कम हो जाएगा। विड्थ कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक डब्ल्यू था बेस का विड्थ, और ये डी जो है ये इधर पेनिट्रेट किया इसके अंदर, तो बचा हुआ कितना है, सिर्फ डब्ल्यू माइनस डी इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस आफ्टर बायसिंग, बायसिंग लगाने के बाद इतनी विड्थ बची है।
और वोल्टेज बायसिंग वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज और बढ़ा दूंगा तो डी की वैल्यू और बढ़ जाएगी, डब्ल्यू तो फिक्स है, डी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डब्ल्यू माइनस डी करेंगे तो ये विड्थ और कम हो जाएगी। तो वी कैन कंट्रोल, ऐसा वी कैन कंट्रोल तो नहीं बोलना चाहिए बल्कि वी कैन ऑब्जर्व दैट द इफेक्टिव बेस विड्थ चेंजेस विद द चेंज इन रिवर्स वोल्टेज, मतलब बाय चेंजिंग द रिवर्स वोल्टेज वी कैन चेंज द इफेक्टिव बेस विड्थ। ठीक है, समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर। तो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन जो है, अब जो यार पढ़ेंगे टर्म, टेक्निकल टर्म मॉड्यूलेशन, उसका मतलब यही पढ़ेंगे आप कि किसी एक पैरामीटर के चेंज करने से कोई दूसरा पैरामीटर अगर चेंज हो रहा है तो देन वी कैन कॉल इट एज मॉड्यूलेशन। मीन्स अब फर्स्ट पैरामीटर और प्राइमरी पैरामीटर मॉड्यूलेट्स द सेकेंडरी पैरामीटर, मतलब प्राइमरी चीज को चेंज करने से, एक प्राइमरी वैल्यू है उसको चेंज करने से सेकेंडरी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वी कैन से दैट द प्राइमरी वैल्यू इज मॉड्यूलेटिंग द सेकेंडरी वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेगुलेटर, फैन का जो रेगुलेटर होता है जिसको घुमाते हैं फैन की स्पीड बढ़ती है, तो फैन का रेगुलेटर आप घुमाते हैं तो उसका इसको एक एंगल से दूसरे एंगल पे लेके जाते हैं आप उसका, फॉर एग्जाम्पल उसका एक पॉइंटर होगा वो 0 डिग्री पे होगा, उसको घुमा के आप 40 डिग्री पे करते तो उधर फैन की स्पीड बढ़ रही है, तो वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ फैन बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ रेगुलेटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे आप उसका फैन का रेगुलेटर घुमा के आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। कितने एंगल से कितनी स्पीड बढ़ती है, दूसरा फिर एंगल से और बढ़ा देंगे तो फिर स्पीड बढ़ेगी, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर आप एंगल बढ़ाते जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ते जाएंगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी है और दोनों के बीच में मॉड्यूलेशन है, मतलब प्राइमरी वैल्यू क्या है उसका एंगल है, सेकेंडरी इसकी स्पीड है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ते जाएंगी, तो वो भी मॉड्यूलेशन है। इस तरह का आपका गाड़ी का एक्सीलेटर है, जितना बढ़ाएंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, वहां मॉड्यूलेशन होता है। तो मॉड्यूलेशन का मतलब ही होता है कि एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर को कंट्रोल करना। समझ में आया क्या आपको? यस और नो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन है, मतलब वी कैन ऑब्जर्व द मॉड्यूलेशन ऑफ बेस विड्थ बाय चेंजिंग द रिवर्स वोल्टेज वीसीसी। वीसीसी को आप चेंज करने से बेस का विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। इसके अंदर एक और चीज आती है आगे जाके, इसको अगर आप वोल्टेज बढ़ाते चले गए और ये विड्थ बढ़ती चले गई डिप्लीशन की, तो बेस विड्थ कम होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये W माइनस डी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि D की वैल्यू W के बराबर बढ़ जाएगी, डिप्लीशन विड्थ बढ़ते बढ़ते W तक टच हो जाएगा, तो इफेक्टिव बेस विड्थ जीरो हो जाएगा। उस केस में यहां से लेकर यहां तक डिप्लीशन रीजन पूरा बन जाएगा, और इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन जब बन जाएगा तो ट्रांजिस्टर विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर नहीं रहेगा, उसके अंदर बेस ही नहीं रहा, बेस ही गायब हो गया, तो ट्रांजिस्टर नहीं रहेगा फिर वो। समझ में आया क्या? फिर वो ट्रांजिस्टर जैसा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको, इसको लास्ट में नाम है, इसका नाम है अर्ली इफेक्ट, नहीं इसका नाम है पंच थ्रू, कहाँ गया वो, उसमें लिखा है ये पंच थ्रू। ठीक है, पंच थ्रू इज द इफेक्ट एट इफ इट इज अ इफेक्ट वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन यू इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज वीसीसी सो दैट द बेस विड्थ, इफेक्टिव बेस विड्थ बिकम जीरो। ठीक है, व्हेन इफेक्टिव बेस विड्थ बिकम जीरो इट इज कॉल्ड एज पंच थ्रू, याद रहेगा, व्हेन इफेक्टिव बेस विड्थ बिकम जीरो इट इज कॉल्ड एज पंच थ्रू। और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का एक और नाम है अर्ली इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट इसका एक और नाम है, अर्ली जो साइंटिस्ट का नाम है, अर्ली का मतलब वो अर्ली नहीं मॉर्निंग अर्ली उठते हो, अर्ली नाम है किसी का। ठीक है, अर्ली इफेक्ट ये जिसने निकाला इसको वो शुरू किया था उसका नाम है, और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इसका मीनिंगफुल नेम है। ठीक है, तो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होगा, आप वीसीसी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे उससे डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी और वो पेनिट्रेट करेंगे बेस में, बेस में ही क्यों करेगी, उसका रीजन क्या है कि ये बेस जो है बहुत लाइटली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर, इसलिए बेस में ही पेनिट्रेट करेगी, और बेस में पेनिट्रेट करने से बेस की विड्थ कम करते जा रही है, उसकी वजह से ये बेस विड्थ कम होने से क्या होगा, फाइनली जब ये जीरो हो जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज पंच थ्रू। ठीक है, ये टॉपिक इतना ही था, इसके ऊपर भी कुछ एमसीक्यूज बनेंगे। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसे हमने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखा था वैसे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ट्रांजिस्टर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि तीन है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी जो है तीन बनेंगी, कॉमन बेस की अलग बनेंगी, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर की बनेंगी। ये जो सर्किट दिख रहा है आपको ये कौन सा है, कॉमन कलेक्टर है, बेस है, कॉमन एमिटर, क्या है ये?
ये कॉमन बेस है, ठीक है। तो कॉमन बेस है, अब कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक जो है जब बनाएंगे तो उसकी इनपुट साइड में, अब कैरेक्टरिस्टिक जब भी बनाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में एक एक्स एक्सिस में एक वैल्यू होती है, वाई में एक होती है। एक्स एक्सिस में प्राइमरी होती है, वाई में सेकेंडरी वैल्यू होती है, और वोल्टेज प्राइमरी है, करंट सेकेंडरी है। तो इनपुट साइड में भी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है, आउटपुट साइड में आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट है। तो इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे उसका नाम है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक बनेंगी उसका नाम है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब निकालते हैं तो आउटपुट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, आउटपुट निकालते तो इनपुट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ये याद रखना इसको। आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब भी निकालेंगे तो आउटपुट को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब इसकी वोल्टेज को यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे, और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब निकालेंगे हम तो उसमें उस टाइम पे इनपुट को कांस्टेंट करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है दो कैरेक्टरिस्टिक, इसमें लेफ्ट वाली जो है ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये VEB इनपुट वोल्टेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे VEB इनपुट वोल्टेज है और VCB आउटपुट वोल्टेज है। तो ये यहाँ पे इस तरह में दिखेगा आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का नेचर बिल्कुल डायोड की तरह है, डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरह। यहाँ पे इसका नी वोल्टेज आप देख सकते हैं 0.6 वोल्ट पे, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे आप, करंट नहीं बढ़ेगा, आफ्टर नी वोल्टेज करंट सडनली बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ऊपर जो वोल्टेजेस दिख रहे ये क्या है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया था कि आउटपुट वोल्टेज को जीरो पे कांस्टेंट कर दिया। मैंने बताया था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के टाइम आउटपुट को कांस्टेंट करते हैं हम, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मेजर करने के लिए हमने क्या किया, आउटपुट के वोल्टेज को जीरो पे जब कांस्टेंट किया उसके बाद हमने क्या किया, यहां से बढ़ाना शुरू किया वीईबी वोल्टेज को। यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले आउटपुट को कांस्टेंट किया और उसके बाद फिर यहां से बढ़ाना शुरू किया वीईबी को। जब वीईबी 0.6 के आगे बढ़ा तो करंट इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ और यहां तक आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर कैरेक्टरिस्टिक को जीरो पे लेके चले गए और आउटपुट को हमने फिर किसी और वैल्यू पे कांस्टेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट पे, और फिर से हमने रीडिंग्स लेना शुरू किया वीईबी की, साथ में करंट भी मेजर करते गए। तो आपने देखा, देखेंगे आप कि 0.6 से थोड़ा पहले से ही करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। नेचर बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने फिर उसको क्या किया, फिर से आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ा के किसी और वैल्यू पे अपसेट कर दिया इसको। तो फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 0.6 से काफी पहले से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट में शिफ्ट होते जा रही, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट में शिफ्ट होते जा रही, नी वोल्टेज लेफ्ट में, नी वोल्टेज जो है ये लेफ्ट में शिफ्ट होते जाएगा एज यू आर इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट में शिफ्ट होती जाएगी, हालांकि इसका नेचर बिल्कुल सेम रहेगा जैसे डायोड का है। और जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप निकालेंगे तो उस टाइम पे वीसीबी ये आउटपुट वोल्टेज है और आईसी ये आउटपुट करंट है। सर्किट में देख सकते हैं हम, कलेक्टर साइड में जो करंट है वो आईसी है और वीसीबी आउटपुट वोल्टेज है। इन दोनों के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे, तो यहाँ पे इनपुट साइड में हम करंट कांस्टेंट करते हैं, इनपुट का आई इज द इनपुट करंट, ठीक है। यहाँ पे एमीटर साइड में जो करंट होगा वो आई करंट होगा। तो आउटपुट के टाइम पे इनपुट का करंट कांस्टेंट करेंगे, लेकिन करंट कांस्टेंट कब होता है, जब वोल्टेज कांस्टेंट करते हैं, तो मतलब फाइनली हम वोल्टेज ही कांस्टेंट कर रहे हैं लेकिन नोट कर रहे हैं हम करंट को, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि करंट कांस्टेंट करना है अगर आई का, तो हम क्या करेंगे, बैटरी को रोटेट करेंगे और एक वैल्यू पे फिक्स कर देंगे ताकि करंट एक वैल्यू पे यहाँ पे फिक्स हो जाए। अगर करंट यहाँ पे 10 मिली एम्पीयर लाना है हमको, तो हम बैटरी को रोटेट करेंगे, बैटरी के नॉब को, और जब वो वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक ऐसे वैल्यू पहुंचेगी जहां पर ये 10 मिली एम्पीयर आएगा तो हम बैटरी को रोक देंगे। तो हमने क्या कर दिया, वोल्टेज ही कांस्टेंट किया लेकिन नोट करेंगे हम करंट को, ठीक है। तो यहाँ पे करंट को नोट कर रहे हैं हम कि आई की वैल्यू, फॉर सबसे पहले हमने 6 वोल्ट आई की वैल्यू 0 मिली एम्पीयर पे हमने इसको ले लिए। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे वीसीसी और करंट बढ़ नहीं रहा, करंट जो है बहुत ही मिनिमम निग्लिजिबल करंट फ्लो रहा और वो कांस्टेंट है। उसके बाद अगर हमने करंट को आई को थोड़ा बढ़ा के कांस्टेंट कर दिया किसी दूसरी वैल्यू पे, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में करंट रैपिडली बढ़ेगा, उसके बाद बहुत ही स्लो बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में रैपिड बढ़ता है, बाद में स्लो बढ़ता है। फिर उसके बाद करंट की वैल्यू आई बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी दूर तक करंट बढ़ते जाएगा रैपिडली, बाद में फिर कांस्टेंट होगा। इस तरीके से ये आपको लॉगरिथमिक कर्व मिलेगा, इधर इधर साइड में एक्सपोनेंशियल मिल रहा, इधर लॉगरिथमिक कर्व मिल रहा। अब इसमें जो शेडेड एरिया दिखा रहे, ये जो शेडेड एरिया है ये इस टाइम ये बता रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, इसलिए ये रीजन का नाम है कट ऑफ रीजन। और इसके बाद जो रीजन, इस कट ऑफ के बाद जो स्टार्ट होता रीजन वो एक्टिव रीजन है। ये पूरा व्हाइट एरिया पूरा एक्टिव रीजन है। उसके बाद जो ऊपर में जहाँ करंट बहुत सडनली बढ़ रहा है ये सैचुरेशन रीजन है। तो इसमें पूरी कैरेक्टरिस्टिक में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में तीन रीजन हम शो कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लगकर है एकदम, वो
वो है कट ऑफ रीजन, जो वर्टिकल एक्सिस से लगा हुआ है वो है सेचुरेशन रीजन, और इन दोनों रीजन के बीच में जितना पोर्शन है वो सारा एक्टिव रीजन है। समझ में आया ये? यस हाँ यस सर। चलो, अब इसके बाद आपको एक, मैंने क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट करा दिया था डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अब आपके सामने मैं ये अपनी लैब मैनुअल है जिसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अपने को पढ़ना है, जिसमें ये आपको ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। ये सर्किट आपको बनाना है वहां पे मल्टी सिम में जाके, तो इसकी इसमें देखो डायोड, इसमें ट्रांजिस्टर BC547 लग रहा। अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें है कि नहीं पता नहीं, तो हम देख लेते हैं सर्किट बना के, हमारे पास 4-5 मिनट है बस, तो फास्ट रैपिडली देख लेते बनता के सर्किट, बाकी आगे करेंगे फिर। ये हमारे पास लेफ्ट साइड में ट्रांजिस्टर भी है, यहाँ एनपीएन दिख रहा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने ले लिया, और इसका वैल्यू 547 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम ये कुछ है, ये करंट की वैल्यू चेंज करने का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम्स, तो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी है हमारे पास है, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 20 किलो ओम्स का यहाँ पे, और इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे हम 20 किलो ओम्स पे, ये घुमा के कर दिया 10, ये 20 किलो ओम्स, ठीक है, बहुत आसान है 20 करना। फिर ये 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस आउटपुट में लग रहा, ये 1 किलो ओम्स यहाँ लगा दिया, उसके बाद एक बैटरी इधर इधर लगेगी, एक बैटरी इधर लगेंगी, दो बैटरीज लगेंगी आपको डीसी की, एक यहाँ लग रही, डुप्लीकेट कर देते इसको, एक यहाँ लग रही, एक ग्राउंड लगेगा आपको, ये ग्राउंड यहाँ हो गया। अब जस्ट कनेक्शन करना है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, और इसको इससे कनेक्ट कर देते, इसको इधर कनेक्ट कर देते हैं, और यहां से इसको सीधा इधर कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, और एमिटर को इससे ज्वाइन कर लेते हैं, और ग्राउंड को भी इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये सर्किट रेडी हो गया, अब सर्किट रेडी हो गया हमारे पास, इसको हमको इनपुट वोल्टेज मेजर करना है, यानी इनपुट वोल्टेज करंट मेजर करना है, उसके लिए हम एक प्रोब लगा लेंगे यहाँ पे, वोल्टेज करंट प्रोब, ठीक है, वो यहाँ लगा देते हैं। अब इनपुट वोल्टेज, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मेजर करने के लिए आपको आउटपुट कांस्टेंट करना पड़ेगा, आउटपुट कांस्टेंट करना मतलब आउटपुट का करंट, आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट करते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ के लिए वोल्टेज प्रोब ले लेंगे, ये वोल्टेज प्रोब यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, दिख रहा क्या आपको, मैंने वोल्टेज प्रोब आउटपुट साइड में लगा दिया और इनपुट साइड में वोल्टेज करंट प्रोब लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट करना है किसी एक वैल्यू पे, ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ये दिख रहा है आपको, इसमें आउटपुट वोल्टेज को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, किसी भी आपके कोई भी पसंद के वैल्यू ले लो, उस पे कांस्टेंट कर, उसको रन करते हैं। सबसे पहले इनपुट को कांस्टेंट जिस साइड को करते हैं उसके अपोजिट साइड को हमको जीरो करना होगा, तो यहाँ का वोल्टेज सबसे पहले जीरो कर दो, इसको जीरो कर देते हैं, और ऐसे केस में आउटपुट को, यहाँ का जो वोल्टेज देखो 5 वोल्ट दिख रहा है आउटपुट का, और क्योंकि यहाँ बैटरी 5 वोल्ट की लगी है, तो इसको हम 5 पे ही कॉन्स्टेंट रखते हैं इसको। अब इस केस में अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो वोल्टेज है इस बैटरी के वोल्टेज को आपको चेंज करना है, इस वोल्टेज को आपको बढ़ाना है, कैसा बढ़ाएंगे, 0, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह बढ़ाते जाएंगे, ये मैंने पहले बढ़ाया तो 5 मिली वोल्ट आया, 500 मिली वोल्ट, मतलब 500 मिली वोल्ट मतलब 0.5 वोल्ट, ठीक है, तो ये 0.5 वोल्ट पे कितना आ रहा, देखो 212 पी को इसको मेजर करेंगे इस तरह, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, फिर 0.6, 0.7, ये एकदम जंप कर रहा 1 वोल्ट पे, ऐसा नहीं आपको नहीं कि इसको थोड़ा और कम इसमें लेना है, 100 मिली वोल्ट मतलब 0.1 वोल्ट, ठीक है, फिर ये 150, 200 मिली वोल्ट, तो ये वोल्टेज लेना है आपको, ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं मेजर करेंगे हम, ये वाला वोल्टेज और ये करंट, ये वोल्टेज करंट के बीच का जो है इसको ग्राफ बनाएंगे आप पूरा आखिर तक जाके, जहां तक जाता है, ठीक है,
तो ये मेरे को 0.7 से यहाँ तक आ गया। उसके बाद और थोड़ा ऊपर जाएंगे, उसको प्लस करके मल्टीप्लायर से बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो हम यहाँ पर 2 वोल्ट 3 वोल्ट तक ले सकते हैं, जहां तक भी जाएंगे वहां तक। तो इसका एक इसका आप ग्राफ बनाएंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद फिर इसको फिर से 0 पे लेके चले जाएंगे। अब फिर उसके बाद इसको किसी और वोल्टेज पे कॉन्स्टेंट करेंगे, ये 5 वोल्ट हो गया, इसको बढ़ा के हम कर देते हैं 10 वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे एज इट इज, फिर से इसको यहां से बढ़ाते जाएंगे और यहाँ करंट और वोल्टेज का ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। इतना आप काम करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो होमवर्क करेंगे और मुझे बताएंगे अगले क्लास में, कल नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसमें आप मुझे बताएंगे कि क्या इसका रीडिंग्स आई। मैं किसी से पूछ सकता और उसने बताना चाहिए, हर एक ने परफॉर्म करना है ये, और हर एक के पास रीडिंग्स होनी चाहिए। मैं किसी से पूछूंगा उसको आनी चाहिए बताने, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रीडिंग्स में आपसे पूछूंगा और रीडिंग्स आप बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक में बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। या आपसे अगर होता तो आप ही बना के रेडी कर लेना, अगर आपको जम गया तो आप खुद से बना देना, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा इनपुट वाली, ठीक है। उसके बाद फिर हम आउटपुट की भी, आउटपुट का भी टाइम रहेगा तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेंगे। तो ये परफॉर्म करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैंने जितना भी बताया उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इतना काम घर पे करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। और ये सर्किट जो मैंने जहाँ कहाँ से देख के बताया, ये लैब मैनुअल से, लैब मैनुअल मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर हो गया? यस सर। अब अटेंडेंस दे दो।